तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इससे पहले हमने आपको एक्सरसाइज 3.2 कराई थी और आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 के बेसिक्स बताऊंगा बताऊंगा इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है। तो इसमें पहला आपका यही है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का। जैसे कोई मैट्रिक्स हमारे पास है, वन टू फोर फाइव, इसका करना मुझे ट्रांसपोज। इसको हम डैश ओके और पट्टी लगा देंगे, ऐसे भी यूज करते हैं ठीक है। ये दो सिंबल हैं इसको, ए डैश और या ए ट्रांसपोज। तो इसमें क्या होता है, 2x2 मैट्रिक्स है, तो जो रो हैं, जो फर्स्ट रो ये सेकंड रो, तो इनको तो बनाएंगे हम कॉलम। जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, जो सेकंड रो बनेगी सेकंड कॉलम, फोर फाइव ठीक है। अब इसकी फर्स्ट रो ये है और सेकंड रो ये, ऑर्डर 2x2, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ए। तो ए का ट्रांसपोज यानी रो और कॉलम को आपको इंटरचेंज करना है ठीक है। जो पहले रो थी अब बन जाएंगे कॉलम, जो पहले कॉलम थे बन जाएंगे रो। देखो 1 4 एंड 4 5। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। ट्रांसपोज की क्या प्रॉपर्टीज हैं वो देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी है ए डैश होल डैश इजिकल टू ए। अगर 2 बार ट्रांसपोज करेंगे हम तो हमें आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब जैसे देखो ये है ए की वैल्यू 1 2 3 4 है, तो ये ट्रांसपोज क्या होगा 1 2 3 4, यानी रो कॉलम मैंने आप इंटरचेंज कर दिए। फिर 2 बार ट्रांसपोज करूँ इसको तो 2 बार चेंज करने पड़ेंगे, तो 1 3 2 4, तो वही मिल गया ना देखो, दैट इज ए, यानी ए डबल डैश आपको मिल जाएगा एक एक बार। इस तरह से सेकंड प्रॉपर्टी है जी के ए होल ट्रांसपोज, दैट इज के इनटू ए ट्रांसपोज। इसमें के कोई कांस्टेंट है, देखो के की मल्टीप्लाई करूं किसी मैट्रिक्स में मैं, जैसे ये मैट्रिक्स मेरे पास ये है 1 0 3 5 ओके, और के से मल्टीप्लाई कर दिया तो के क्या हो जाएगा, के 0 3 के 5 के ओके। अब इसके बाद क्या मैंने इसका ट्रांसपोज, तो क्या मिल जाएगा आपको के 0 3 के 5 के करेक्ट। तो इसमें के कॉमन मिल जाएगा आपको, के कॉमन मिलते हैं क्या बनेगा 1 3 0 5। 1 3 0 5 क्या, देखो इसका ट्रांसपोज है, देखो ये है 1 0 3 5, तो ये ट्रांसपोज क्या होगा, ये तो होगा 1 0 3 5, ये चेंज हो जाएंगे तो ए ट्रांसपोज। तो इस तरह से के ए होल ट्रांसपोज के इंटू ए ट्रांसपोज।
और थर्ड प्रॉपर्टीज की a प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, यानी दोनों पर अलग अलग ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी ए बी डैश दैट इज बी डैश इंटू ए डैश, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, कोई दो मैट्रिक्स लेकर के अगर उनकी मल्टीप्लाई करें, उसका ट्रांसपोज करें, तो दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज और रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करके उसके इक्वल होंगे। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आपको लिखता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू 1005, बी ले लिया मैंने 3106। अब देखो ये भी क्या होगा, पहले तो ए डैश निकालो 1005, अब बी डैश क्या मिलेगा 3106। ओके, अब इनकी मल्टीप्लाई करो रिवर्स ऑर्डर में, बी डैश ए डैश 3016 1005, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 into 1 और 0 into 0, तो यहाँ 3 मिल जाएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 into 0 प्लस 0 into 5 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 6 into 0 तो 1 मिल जाएगा, 1 into 0 6 into 5 30 मिल जाएगा। ये मिला बी डैश और ए डैश। ओके, अब आप ए बी की मल्टीप्लाई निकालें, चलो हम यहीं पर क्या करके दिखाते हैं आपको, ये है 1005, अब बी की वैल्यू 3106, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, ए बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ 3 मिला, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 1 0 into 6 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 into 3 5 into 0 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 into 1 5 into 6 30, यानी 3 1 0 30। ओके, ए बी मिलता है, तो ए बी का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे 3 1 0 30, ठीक है ये मिला, और बी डैश ए डैश क्या था 3 0 1 30, देखो बी डैश ए डैश निकाला था हमने 3 0 1 30, तो क्या प्रूव हुआ इसे, तो इसे प्रूव होता है ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, है ना, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। मैट्रिसेस,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें होता है, अगर किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम बिल्कुल एक जैसे हों, यानी इसके ट्रांसपोज अगर करें हम और मैट्रिक्स पे कोई फर्क ना पड़े, और मैट्रिक्स कैसा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, कब बोलेंगे इसको सिमेट्रिक हम, इज सेड टू बी सिमेट्रिक। इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, अगर इसका ट्रांसपोज एक इक्वल है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इसमें हमें आज आपको ए आई जे और ए जे आई, यानी किसी एलिमेंट का ऑर्डर कहीं पर ए आई जे है तो उसका जे आई भी इक्वल होगा उसके, यानी कह सकते हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर, यानी कोई एलिमेंट यहां पर है, ठीक है, यानी सेकंड रो फर्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में ही है ना, तो इसका यहां पर ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे, यानी हम कह सकते हैं कोई मैट्रिक्स, ये देखो 1 2 3 4 5 6। एग्जाम्पल है, ठीक है, 1 2 3 2 4 5 3 5 6। अब देखो इसकी फर्स्ट रो 1 2 3 और फर्स्ट कॉलम ये 1 2 3 है, ओके, यानी इनको अगर इंटरचेंज करें हम तो मैट्रिक्स की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका जो ए ट्रांसपोज होगा, यानी ए डैश, वो सेम होगा, देखो 1 2 3 2 4 5 और 3 5 6, यानी एक इक्वल है। ठीक है, तो ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, यानी आपकी रो और कॉलम के जो एलिमेंट्स है करस्पॉन्डिंग वो एक जैसे हैं, यानी ट्रांसपोज करने से एलिमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद इसकी सिमेट्रिक, ये तो सिमेट्रिक हो गया आपका, इसकी सिमेट्रिक, ये भी स्क्वायर मैट्रिक होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। इफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, ए डैश है वो माइनस ए के इक्वल होगा, तो इसमें क्या होता है, ये तब होता है जो ए आई जे है वो माइनस ए जे आई के इक्वल हो, ओके, यानी जो एलिमेंट है तो यहां क्या मिलेगा आपको, माइनस टू, ओके, ये
ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है और ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, अगर ये एलिमेंट इसका माइनस टाइम्स होगा तब जाकर इसकी सिमेट्रिक बनेगा, ठीक है, यानी ये वाली ही कंडीशन होगी। तो इसको उधर ले जाए हम, तो क्या बन जाएगा, बोथ साइड अगर मैं ये ऐड कर दूं इसमें, है ना, अगर देखो इसमें जे और आई इक्वल रख दूं, माइनस ए आई आई, क्योंकि जो मैट्रिक्स यहां पर होगा देखो ए वन वन होगा, यहां पर टू टू या थ्री थ्री, जो डायगनली एलिमेंट्स होंगे तो उसमें रो और कॉलम का जो सफिक्स होगा एक जैसा होगा, ठीक है। इसको उधर ले आओ, टू ए आई आई 0 और ए आई आई की वैल्यू 0। इसका मतलब ये होगा कि इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट डायगनली होंगे वो हमेशा 0 होंगे, ठीक है। डायगनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, आर 0, ये एलिमेंट हमेशा 0 होंगे तभी आपका बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैट्रिक्स आपके पास, जीरो वन टू माइनस वन जीरो थ्री माइनस थ्री, अब यहां भी 0 मिलेगा, माइनस टू या माइनस थ्री। अब देखो ये 0 0 1 2, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा 0 माइनस वन माइनस टू, ठीक है। सेकंड रो माइनस वन 0 3, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 0 माइनस थ्री। ये थर्ड रो, इसको 0 से मिलाई करो तो मिलेगा आपको ये थर्ड कॉलम एक जैसा, ठीक है, तो साफ नजर आ रहा है। तो इसके अंदर ए डैश क्या होगा, 0 1 2 माइनस वन 0 3 माइनस टू माइनस थ्री 0। इसमें अगर माइनस कॉमन लेना है तो क्या मिलेगा, 0 1 2 माइनस वन 0 3 माइनस टू माइनस थ्री 0। तो क्या बनाएगा, ये बन गया देखो, ओके, माइनस कॉमन लेते हैं ये वाला पार्ट, ए बन गया। तो क्या बन गया, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, ये कंडीशन है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, करेक्ट। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फॉर एनी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, एक एलिमेंट कैसे होंगे, रियल नंबर, ठीक है, विद रियल नंबर्स रियल एंट्रीज, ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए डैश
स्क्यू सिमेट्रिक। हमें प्रूव करना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई एन बाई एन ऑर्डर का, तो ये प्रूव करना है ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या होता है आपको मालूम है, और सिमेट्रिक ए ट्रांसपोज एक इक्वल होता है। तो इसका ट्रांसपोज मुझे इसी के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। सब मैंने इसको बी मान लिया, लेट बी इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश। अब निकालते हैं हम बी ट्रांसपोज, यानी बी डैश, तो ए प्लस ए डैश होल डैश। बी डैश क्या मिलेगा? अब आप प्रॉपर्टी बताई थी जी, ए प्लस बी होल डैश होता है ए डैश प्लस बी डैश। तो ये क्या बन जाएगा, ए डैश प्लस ए डैश होल डैश। तो क्या मिला बी डैश, ए डैश प्लस, ये भी बताया था ए डैश डबल डैश क्या होता है, ए के इक्वल। दोनों प्रॉपर्टी बताई थी, तो ये बन गया ए, करेक्ट। यानी प्रूव कर दिया मैंने बी को बी डैश के इक्वल, क्योंकि बी की वैल्यू देखो यही है और बी डैश की वैल्यू भी ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश। इनको आप किसी ऑर्डर में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब बी इज इक्वल टू हो गया बी डैश इज इक्वल टू बी। दिस इंप्लाइज बी और ए प्लस ए डैश बी के लिए यही है ना, इज सिमेट्रिक। यानी ए प्लस ए डैश की जो वैल्यू है वो सिमेट्रिक है। इसी तरीके से ए माइनस ए डैश, इसको फिर ले लेते हैं कुछ नया सिंबल ले लेते हैं इसको, लेट C इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश। तो C को प्रूव करना मुझे इसकी सिमेट्रिक, यानी इसको, तो उसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा मुझे, C डैश इज इक्वल टू माइनस C, ये प्रूव करना पड़ेगा। तो बन जाएगा ये इसकी सिमेट्रिक। तो क्या करें, तो इसका ले लेते हैं फिर हम, डैश क्या मिलेगा, ए माइनस ए डैश होल डैश। तो सी डैश क्या मिलेगा आपको, प्रॉपर्टी है देखो ए प्लस बी होल डैश होता है ए डैश प्लस बी डैश, तो ये क्या बनेगा, ए डैश माइनस ए डैश होल डैश। तो सी डैश बन गया, ये तो ये ए डैश होगा और ए डैश होल डैश होगा ए के इक्वल, ये बताया था आपको है ना, प्रॉपर्टी है। तो इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, तो क्या बनेगा ए माइनस ए डैश, तो क्या प्रूव हुआ वे सी डैश हो गया माइनस सी के इक्वल। तो इससे क्या प्रूव हुआ, इससे प्रूव हो गया जो सी है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिंपलाइज C इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, करेक्ट। इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं, ए हमेशा ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। इस तरीके से एक प्रॉब्लम आती है कभी आपकी, राइट ए मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक।
write a matrix A, स्क्वायर मैट्रिक्स है n बाई n ऑर्डर का, एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप ए को लिखो एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो जैसे ए मैट्रिक्स है मेरे पास में, इसको लिख सकता हूं मैं हाफ ए प्लस हाफ ए, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ प्लस हाफ वन, उसके बाद इसमें हाफ ए डैश प्लस करता हूं प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए डैश, यानी हाफ ए डैश प्लस किया हाफ ए डैश माइनस कर दिया। इसमें हाफ कॉमन ले लेंगे हम, ए प्लस ए डैश प्लस हाफ कॉमन ए माइनस ए डैश, ठीक। और अभी आपको थ्योरम कराया था मैंने, ए प्लस ए डैश होता है सिमेट्रिक और ए माइनस ए डैश होता है इसक्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट है, इसका इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अगर ये सिमेट्रिक तो हाफ इंटू ए प्लस ए डैश भी सिमेट्रिक ही होगा, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया आपके पास में सिमेट्रिक और ये पार्ट हो जाएगा इसक्यू सिमेट्रिक। करेक्ट। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे आपको मैट्रिक्स दे दिया हमने, ये ए इक्वल टू 2, 4, 3, 5 2x2 ऑर्डर है, इसको लिखो ये सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक। तो मैं क्या करूंगा, हाफ ए प्लस ए डैश, अब इसमें ए डैश निकाल लेते हैं हम 2, 4, 3, 5 करेक्ट। अब ए प्लस ए डैश निकालेंगे, ए प्लस ए डैश 2 plus 2, 4, 4 plus 3, 7, 3 plus 4, 7, 5 plus 5, 10 ठीक। अब निकालेंगे ए माइनस ए डैश 2 minus 2, 0 4 minus 3, 1 3 minus 4, -1 5 minus 5, 0 करेक्ट। अब ये ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश, तो एक को लिख दो आप हाफ ए प्लस ए डैश ए माइनस ए डैश। अब इसको टू से और डिवाइड करना है, तो है इस वाले पार्ट को, तो 2, 7 by 2, 7 by 2, 5 सो डिवाइड करो 2 से, 0 हाफ माइनस हाफ 0 है कि नहीं। देखो ये वाला पार्ट क्लियर दिखाई दे रहा, देखो सिमेट्रिक है, इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक जैसा, सेकंड रो सेकंड कॉलम एक जैसा, सिमेट्रिक। अब देखो फर्स्ट रो इसको माइनस मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। नाउ सेकंड रो इसको माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो सेकंड कॉलम,
तो ये बन गया स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको ये वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा। ओके देखो, 2 + 0 = 2, 7y2 + 1y2 = 8y2, दैट इज 4, 7y2 - 1y2 = 6y2 = 3, 5 + 0 = 5। ठीक है, इसका सम ये बनना है और दोनों ये एक पार्ट सिमेट्रिक है और दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो इस तरह इसके सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे इस एक्सरसाइज के वो ये हैं। इसके बाद तो इसमें डायरेक्ट आपकी एक्सरसाइज शुरू होगी। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी इसमें शुरुआत करता हूँ एक्सरसाइज की। इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 1, ये कह रहे फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द ईच ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। सिंपल है, ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका जो पहला पार्ट है वो ये है 5 ½ - 1, 5 ½ - 1, क्या ऑर्डर है इसका, 3 रो है और 1 कॉलम। ट्रांसपोज फाइंड करना है इसका, दिस इंप्लाइज ए ट्रांसपोज होगा 5 ½ - 1। इन रो कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे और ऑर्डर क्या बन जाएगा इसका, 1/3। ठीक है, इसमें 3 रो 1 कॉलम, तो इसमें 1 रो और 3 कॉलम बन गए। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ले लेते हैं हम 1 - 1 = 2, 3, ऑर्डर 2/2 है इसका। दिस इंप्लाइज ए डैश होगा 1 - 1 = 3, ऑर्डर 2/2, यानी ये रो बना दिया नए कॉलम और सेकंड रो बन गया सेकंड कॉलम। ठीक है, इस तरह से आप ये इजीली कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो थर्ड पार्ट भी इसका ऐसा ही है, ठीक है, सेम टाइप आप कर दोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1 और बी गिवन है -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। देखिए ना, वेरीफाई करें आप, क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई a + b = a - b. सेकेंड, a - b = a - b। ये प्रूफ करना है, तो कुछ करना नहीं आपको, केवल वैल्यूज पुट करने हैं इसके अंदर। जैसे a + b बात की ना, तो a + b कर लो जी। a + b क्या होगा, प्लस कर दो ना, -1 + -4 तो -5, 2 + 1 = 3, 3 - 5 - 2,
5 plus 1 6 7 plus 2 9 9 plus 0 9 minus 2 plus 1 minus 1 1 plus 3 4 1 plus 1 2 ये मिल गया आपको a plus b। इस तरह से आप a minus b फाइंड कर लो। a minus b क्या मिलेगा, माइनस वन, इसको माइनस करेंगे तो माइनस वन प्लस फोर थ्री, टू माइनस वन वन, थ्री माइनस माइनस फाइव, थ्री प्लस फाइव हो जाएगा एट, फाइव माइनस वन फोर, सेवन माइनस टू फाइव, नाइन माइनस जीरो नाइन, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, वन प्लस थ्री फोर, और वन प्लस वन माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री हो गया, वन माइनस थ्री माइनस टू मिलेगा यहाँ, और वन माइनस वन जीरो। ओके ये मिल गया आपको ए माइनस बी। अब ए डैस प्लस बी डैस प्रूव करना, ए डैस अलग से निकाल लो, बी डैस अलग से निकालो। तो ए डैस क्या मिलेगा, माइनस वन टू थ्री फाइव सेवन नाइन माइनस टू वन वन, ए डैस हो गया। और बी डैस माइनस फोर वन माइनस फाइव वन टू जीरो वन थ्री वन, ये बी डैस मिल गया। और ए डैस प्लस बी डैस ये निकालो, ए डैस प्लस बी डैस नॉन को ऐड कर दो, माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स, माइनस टू माइनस वन, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, टू प्लस वन थ्री, और सेवन प्लस टू नाइन, वन प्लस थ्री फोर, ठीक है, थ्री माइनस फाइव माइनस टू, नाइन प्लस जीरो नाइन, वन प्लस वन टू। देखो किसके इक्वल है ये, अगर मैं ए प्लस बी का इसका ट्रांसपोज कर दूं इसका, तो क्या मिलेगा ट्रांसपोज करें इसका, यही मिलेगा, ठीक है, यानी ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। देखो ये मिलेगा माइनस फाइव थ्री माइनस टू फर्स्ट रो, तो ये बन गया फर्स्ट कॉलम, सिक्स नाइन नाइन सेकेंड रो, तो ये बन गया सेकेंड कॉलम, ठीक, माइनस वन फोर टू थर्ड रो, तो ये बन गया थर्ड कॉलम। तो ये प्रूव हो गया ए प्लस ए डैस प्लस बी डैस इज इक्वल टू ए प्लस बी होल डैस, ठीक है। इसी तरीके से निकालते हैं ए डैस माइनस बी डैस, ए डैस माइनस बी डैस क्या मिलेगा, इसमें इसको माइनस करो भाई, माइनस वन माइनस माइनस फोर, तो क्या मिलेगा, माइनस वन प्लस फोर थ्री, फाइव माइनस वन फोर, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, टू माइनस वन वन, सेवन माइनस टू फाइव, ठीक है, और वन माइनस थ्री माइनस टू, थ्री माइनस माइनस फाइव, थ्री प्लस फाइव एट, नाइन माइनस जीरो नाइन, और वन माइनस वन जीरो। देखो किसकी वैल्यू है, थ्री फोर माइनस टू, थ्री फोर माइनस थ्री। अब देखो अगर मैं ए माइनस बी इसका ट्रांसपोज कर दूं, है ना, तो इसकी फर्स्ट रो क्या बनेगी, फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, ये रहा थ्री वन एट, सेकेंड रो बनेंगे सेकेंड कॉलम, ये बन गया, थर्ड रो बनेगा थर्ड कॉलम, ये बन गया, तो आपको मिल जाएगा ये ए डैश यानी ए माइनस बी होल डैश। तो आपका प्रूव हो गया ए माइनस बी होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। ओके, तो इस तरीके से आज हमने ये प्रूव कर दिया कि एक्सरसाइज 3.3 के सारे बेसिक्स प्रूव किए हैं, और इसकी पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है।
तो आज की वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज मैं पूरी करूँगा 3.3, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।